हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं क्रीमी ऑमलेट कढ़ी बनाने जा रही हूँ। आपने ऑमलेट तो बहुत खाया होगा, पर ये आज कुछ हटके हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्रीमी ऑमलेट कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है अंडा। यहाँ पे हमने 3 अंडा लिया है, प्याज का पेस्ट, काजू का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, धनिया पत्ता, लहसुन जिंजर पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर पाउडर, कड़ी पत्ता, जीरा, क्रीम, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, दूध और कुकिंग ऑयल। एक कढ़ाई को हमने गैस पे रख लिया है। अब गैस को हम ऑन करें, उसमें हम तेल, हमने 4 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है। अब अपना तेल गरम हो चुका है, तेल में हम डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, चक्रफूल और जीरा, सबको चटकने देंगे। अपना फोरन ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और साथ ही डालेंगे हरी मिर्च स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तीखा खाना है तो सब डालिए और कम तीखा खाना है तो थोड़ा कर सकते हैं। अब साथ में हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अपना लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को हाई टू लो कर लेंगे और उसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसे हम सावधानी से डालेंगे कि तेल उछलने ना पाए। और इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसे कवर करके और पकने देंगे। हम ढक्कन हटा के देखेंगे, प्याज का हो गया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्च डाला है, ये हम 1.5 से 2 चम्मच तक डालेंगे। और 2 मिनट तक भून लेंगे। मसाला अपना भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए अपना मसाला का कलर चेंज हो गया है। इसमें हम 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपना ग्रेवी भून चुका है, इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट और काजू का पेस्ट डाल के हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इससे अपना ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें 1 ग्लास दूध डालेंगे
थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और ग्रेवी को हिलाते जाएंगे। ग्रेवी का थिकनेस अपना बराबर हो चुका है। अभी इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हम यहाँ पे 1 चम्मच डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ऑमलेट कढ़ी के लिए ग्रेवी रेडी है। चलिए अब हम ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। एक ग्लास में हम अंडे को तोड़ लेंगे। एक साथ हम तीन अंडों तोड़ तोड़ लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। हमने एक पैन को गैस पे रख लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल फैलाएंगे। अभी हम इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। तेल फैल चुका है, इस पे हम थोड़ा थोड़ा अंडा डाल के और फैलाएंगे। इसे हम अच्छे से सिंकने देंगे। हम इसे एक ही साइड से पकाएंगे और धीरे धीरे इसको एक रोल का रूप देते जाएंगे। अभी ये अपना इस रोल को और मोटा करना है तो हम उसके जस्ट किनारे थोड़ा और अंडा गिराएंगे और इसे और लंबा रोल बनाएंगे। अब हम इसे धीरे धीरे एक एक बार पलटते हुए इसे रोल का रूप तैयार कर लेंगे। हो चुका है, हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसे हम एक बराबर शेप में काट लेंगे। आपका बड़ा रोल होगा तो ज्यादा पीस बनेगा। हम 3 अंडा से बनाए हैं तो अपना ये 5 से 6 पीस तैयार हुआ है। अब हम इस ग्रेवी में अपना ऑमलेट को डाल देंगे। और इसे आधा मिनट तक पकने देंगे जिससे कि सब में ग्रेवी अंदर तक चला जाए। ये अपना क्रीमी ऑमलेट कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। हम एक एक पीस ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाले हैं।
अब हम इसे क्रीम से गार्निश करेंगे। तो एक ऐसे लंबी सी लाइन ले लेंगे और इसे, या आप जैसे चाहें वैसे सजा सकती हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। तो ये अपना क्रीमी ओमलेट बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।